फ्रेंड्स, इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आप लोगों को हम जब एक पोर्शन हमारा चल रहा था वकैब मतलब वर्ड पावर हम लोग सीख रहे थे, उस वर्ड पावर के तहत आप लोगों को अभी तक की क्लास में जो इसके पहले बताई गई सिनोनिम्स की क्लास बताई गई, एंटोनिम्स की क्लास बताई गई, होमोफोन्स बताया गया, होमोफोन्स के बाद आपको द वर्ड ऑफन कंफ्यूज बताया गया, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूट वन वर्ड। इसकी एक वीडियो हमने आप लोगों को पहले भी भेजा है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड की, वो वीडियो इस तरीके से रिलेट करती है हमारी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक वर्ड को हम ग्रुप ऑफ वर्ड कैसे तैयार करते हैं। जैसे आपको बोला गया डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर है क्या, अब कहा गया हमने लिखा द पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट, द पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट वो क्या हो गया डॉक्टर। जैसे पूछा गया टीचर तो टीचर क्या हो गया द पर्सन हु टीचेस स्टूडेंट्स। तो ऐसे तो परीक्षा में आपके नहीं पूछा जाता, आपकी परीक्षा में क्या पूछा जाता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया होता है उसका वन वर्ड तैयार करना होता है, मतलब एक वर्ड हमको लिखना होता है। हम लोग आज की क्लास में हमने लिया आपका मान लीजिए 7 एक्सरसाइज हमने सीखने के लिए लिया है, पीपल वर्किंग टूगेदर इन द सेम ऑफिस, पीपल वर्किंग टूगेदर इन द सेम ऑफिस, मतलब कि एक ही ऑफिस अथवा डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, इनको हम क्या बोलते हैं, हिंदी आपको पता है, एक साथ काम करने वाले सहकर्मी, एक साथ पढ़ने वाले सहपाठी, आया समझ में। तो अब हम क्या बोलते हैं पीपल वर्किंग टूगेदर इन द सेम ऑफिस, आप लोगों ने पिछले साल चैप्टर में पढ़ा रहा होगा द गंगा, ठीक है, उसमें कालिक लिखा रहा होगा, तो कालिक मतलब क्या होता है, एक साथ जो सहयोगी होते हैं सहकर्मी होते हैं उन्हें बोला जाता है, स्पेलिंग आपको लर्न करनी चाहिए। अब लिखा गया इसकी आपको परीक्षा में ऐसे ही पहले वर्ड मतलब लिखना होगा ग्रुप ऑफ वर्ड, उसके बाद उसका वन वर्ड आपको लिखना होगा, अब लिखा गया कॉलेजेस, कॉलेजेस का मतलब क्या हो गया, अब आपने यहां पर अपने याद करने के लिए लिख सकते हैं क्या हो गया सहकर्मी, आपका तैयार हो गया एक वर्ड, ठीक। अब लिखा गया बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, जो वर्तमान से बिलोंग करता है, वर्तमान से बिलोंग करने वाला कौन होता है, समकालिक होता है, समकालीन होता है, कंटेम्प्रेरी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसको कंटेम्प्रेरी की अगर स्पेलिंग आपको याद होगी तभी आप लिख पाएंगे, क्या लिखा गया कंटेम्प्रेरी, और कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या हो गया समकालीन, आपने लिख लिया कंटेम्प्रेरी, तो क्या हो गया बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, आपने एक वर्ड तैयार कर लिया। अगला लिखा गया सब्सटेंस डिजाइन टू मेक द स्किन और हेयर मोर ब्यूटीफुल, हम अपने को अधिक सुंदर बनाने के लिए, बालों को मतलब क्या करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो सब मतलब हमारा क्या कहलाता है, आप लोगों को पता है ऐसे जो पदार्थ है जिसका हम प्रयोग फेस पर करते हैं हेयर पर करते हैं उसे हम कॉस्मेटिक बोलते हैं, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कॉस्मेटिक की स्पेलिंग सी ओ एस एम ए टी आई सी एस, मतलब कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हो गया इसे हम कॉस्मेटिक बोलते हैं, आप कॉलगिस का पढ़ लिए कंटेम्प्रेरी जान लीजिए, इसके बाद क्या हो गया कॉस्मेटिक, दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेडिट कितनी है आपकी, ऑफन हम बोलते हैं तो ये क्रेडिबल हो जाएगा सी आर ई, ठीक है, क्या हो जाएगा क्रेडिबल सी आर ई डी आई बी एल ई, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, आपने इसको लिख लिया, यही परीक्षा में लिखेंगे ऐसा ही लिखेंगे, पहले इसको लिख लेंगे मतलब क्या ग्रुप ऑफ वर्ड, उसके आगे आप आंसर लिख देंगे, ठीक।
अगला लिखा गया द स्टेट ऑफ बींग अनमेरिड, तो इसको क्या लिखेंगे, द स्टेट ऑफ बींग अनमेरिड का को हम बोलते हैं सेलिबेसी, मतलब ब्रह्मचारी जिसको बोलते हैं CELI BACY, क्या हो गया BACY, इसको बोलते हैं हम ब्रह्मचर्य। ठीक, अवस्था है चूंकि। अगला है द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर, जो कॉमिक पिक्चर को मतलब क्या करता है, स्केच करता है, ड्रा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं कैरिकेचरिस्ट, इसको आप यहां पर लिख लीजिएगा CARICATURIST, मतलब क्या हो गया कैरिकेचरिस्ट, हास्यजनक चित्र बनाने वाला। अब इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, क्या हो गया कैरिकेचरिस्ट, मतलब द आर्टिस्ट हु ड्रॉज द कॉमिक पिक्चर। अगला लिखा गया आपका अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, आप लोगों को पता भी है एक डेफिनेशन है किसकी, डेमोक्रेसी की, आप लोग यहां पर लिखेंगे क्या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, परीक्षा में आपके दो पूछा जाएगा, दोनों का उत्तर आपको लिखना रहेगा और दोनों दो नंबर का आता है, इसमें कोई विकल्प नहीं रहता आपको और एक करना कंपलसरी रहता है। तो सब्स्टिट्यूट वन वर्ड का मतलब होता है कि दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड का एक वर्ड लिखिए जिससे कि पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड की मीनिंग आपको तैयार हो जाए। तो इसमें आप लोगों को हमने कितना सिखाया, 7 वर्ड लिया, मतलब 7 ग्रुप ऑफ वर्ड, इनके 7 वन वर्ड बताए। ठीक, तो सब लोग इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, क्योंकि इतना ही लिखना रहता है वहां पर, इसमें सेंटेंस नहीं बनाना रहता है, हिंदी नहीं लिखना रहता है, केवल इंग्लिश ही लिखना रहता है। ठीक, ओके।